सिराज, आपने काफी सारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है टेस्ट क्रिकेट में आने से पहले, और काफी सारा इंडिया ए मैचेस भी खेला है, तो उससे आपको मतलब क्या क्या सीखने को मिला? जो मतलब आप जब टेस्ट क्रिकेट में आए, आप ऑलरेडी बहुत रेडी दिख रहे थे, तो क्या क्या सीखा वो स्पेशली वो इंडिया एक्सपीरियंस से? जब हम लोग रणजी ट्रॉफी और इंडिया के मैचेस खेलते थे, तभी हम लोग का एक ही प्लान रहता था कि बस खाली पेशेंस से अपन बॉलिंग डालेंगे, एक जगह पे बस डालते रहेंगे तो खुद ब खुद ही विकेट मिलते जाएंगे। जितना ट्राई करेंगे और टीम के भी नुकसान है और अपनी बॉलिंग पे भी अपना एफर्ट गिरता है। तो बस एक ही चीज़ सीखा है मैं, बस पेशेंस से एक जगह एफर्ट डालती हूँ, बस वही मुझे सक्सेसफुल दे रहा है। शिराज, ये पूछना चाहूंगा कि जब आप जानते हो कि इंडिया में आप खेल रहे हो जहाँ पे स्पिनर ज्यादा बॉल करेंगे, तो वहां पे कैप्टन का आपके लिए क्या रोल रहता है? जैसे आज स्पेसिफिकली अक्षर एक एंड से बॉल कर रहे थे, दूसरे एंड से आपको और ईशान को रोटेट किया जा रहा था एक टाइम पे, तो आपके लिए जो शॉर्टर स्पेल्स है उसके लिए आपके लिए क्या ब्रीफ था कैप्टन का उस टाइम? जब विराट भाई मुझे बोले कि बस तेरा एक काम है कि बस एक जगह डालते जा, बस तुझे तेरे मतलब एक पेशेंस बिल्ड करते जा, प्रेशर बिल्ड करते जा, तो वही हम दोनों के, और जैसे मैं ईशान भाई से बात कर रहे थे, वो एक ही बोल रहे थे बस एक जगह डालते जा, कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं करे तो बेटर रहेगा, क्योंकि प्रेशर बनाए तो खुद ब खुद ही विकेट मिलेगी। तो वही हम लोग का प्लान था। आप ए टूर के बारे में बात कर रहे थे, तो आप राहुल द्रविड़ के अंडर भी तब काफी खेले, और उन्होंने 2018 में ही कहा था कि आपकी मैच्योरिटी बहुत है और उन्होंने काफी हेल्प की होगी आपको, तो अभी कैसा लगता है कि उनका जो प्लेस था आप अभी उसको प्रूव कर रहे हैं एक्चुअली, एंड उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आपके करियर में सोफा? जब मैं रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस किया था, जब राहुल सर ने मुझे देखा था, तभी मुझे इंडिया में जब कॉल मतलब साउथ अफ्रीका के लिए मुझे सेलेक्ट किया था, तो तभी जब मैं इंडिया के लिए खेला था तभी बोलते थे कि बस जो तेरा लाइन ऑफ लेंथ है बहुत ही अच्छा है, बस उसी के ऊपर फोकस कर और फिटनेस के ऊपर फोकस कर। आज वही मुझे मतलब जब भी मैं इंडिया खेलता तो राहुल सर ने बहुत ही सपोर्ट करते, मतलब कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं, मतलब ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, बस यही बोलते कि जो तेरा लाइन ऑफ लेंथ है बस उसी के ऊपर फोकस कर, तो वही सक्सेस मिलेगा तुझे। सिराज, थोड़ा जोर के डिस्कशन के बारे में थोड़ा बताएं कि कैसे प्लान किया, क्या क्या प्लान था उनके अगेंस्ट? मेरा रूट का तो बस मैं ये सोचा था कि बस मैं उसको सेट करूंगा बाहर बाहर डाल के एक बॉल अंदर, तो वही मुझे मतलब जैसा बाहर जा रहा था तो मुझे भी अच्छा लग रहा था कि बाहर जा रहा है जा रहा है। फिर उसके बाद मैं जब फ्रेश ओवर का फर्स्ट बॉल मैं सोचा कि ये अंदर डालूंगा और ऊपर डालूंगा, तो वो जैसा मैं सोचा और वो सक्सेसफुल भी हुआ, तो वो तो मज़ा आया वो बॉल डालने। लंच के समय पर स्टोक्स और बेस्टो दोनों सेट लग रहे थे, दोनों ही स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे, तो लंच के समय क्या कॉन्वर्सेशन हुआ जिसमें ये डिसाइड हुआ कि आप एक एंड से कंटिन्यू करेंगे लंच सेशन के बाद? बस ऐसा कुछ नहीं था कि बस विराट भाई ने बोले कि जैसे रिवर्स होने के चांसेस दिख रहे थे, बट उतना बॉल रिवर्स नहीं हो रहा था, नॉर्मली स्विंग हो रहा था, तो बस हम लोग विराट भाई बोल रहे थे कि फास्ट बॉलर वहाँ से एक एंड से डालेंगे, जो भी 2-3 ओवर है बस एफर्ट डालेंगे वहाँ पर ही, फास्ट बॉलर एफर्ट से डालेंगे, विकेट मिली या नहीं मिली वो सेकेंडरी है, बस तुम लोग आके एफर्ट से बॉल डालेंगे। सिराज, एक कन्वर्सेशन आप और बिन स्टोक्स के बीच हो रहा था, आपने बाउंसर दिया, उसके बाद बिन स्टोक्स ने आपको कुछ बोला, और उसके बाद विराट भी आए, विराट के साथ एक बिन स्टोक्स का कन्वर्सेशन हो रहा था, एक्चुअली व्हाट हैपेंड एक्चुअली? वो तो एक तो ग्राउंड पे होते रहता है, मतलब वो मुझे गाली दिया, बट उसके बाद मैंने जाके विराट भाई को बोला था, वो विराट भाई ने उसे हैंडल कर लिया, वो तो ग्राउंड पे होते रहता है शो के, ऐसा ज़्यादा इशू नहीं। तो सिराज, ये मैं पूछना चाहेंगे कि ये जो कैप्टन का हमेशा ये जो आपको बैकिंग मिलता है, इससे कितना मोटिवेटेड होते हैं? जैसे कि हम ऑस्ट्रेलिया में देखा अजिंक्य रहाणे कैसे उभर के आया आपको सपोर्ट किया, आज भी हमने वही हिस्सा देखा कि विराट ने आपको आके एकदम अंपायर के सामने बेन स्टोक्स से बात करते, ये जो हमेशा से जो बैकिंग रहता है, एक कैप्टन का सपोर्ट रहता है, वो कितना कॉन्फिडेंस देता है एज ए यंगस्टर? एज ए प्लेयर देखा गया तो कैप्टन का बैकअप रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब इनसे परफॉर्मेंस जब इंसान प्लेयर का लो होता है, जब बैकिंग करेगी तो वो प्लेयर मतलब उभर के आता है, तो जब एकदम हर पूरी टीम एक प्लेयर को जब बैक करते हैं तो वो परफॉर्मेंस अलग ही होता है, तो वो ही बहुत ही बूस्ट मिलता है अपने आप को और टीम को भी, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी करने को देख। मेरा क्वेश्चन जॉनी बेस्टो के डिस्कशन पे है कि आपका जो वो डिलीवरी टाइम फिंगर, वो एक एफर्ट बॉल था, 146 किलोमीटर पर आवर वो क्लॉक हुआ था, तो सेटअप के बारे में बताएंगे और थोड़ा सा तेज डालने में
आपका क्या प्लानिंग था उसके पीछे, आप थोड़ा सा बताएंगे? मैं जेन्यू बैरिस्टर को मैं ज़्यादा बॉल नहीं था, मतलब एक भी बॉल मेरा फेस नहीं किया था वो, तो मेरा ये एक ही प्लान था कि वो फर्स्ट बॉल मेरा फेस कर रहा था, तो मेरा ऐसा मेरा ये एक ही प्लान था कि बस मैं जितने बार भी उसका वीडियोस देखा, जितने बार भी वो आउट हुआ, वो अंदर पे अंदर ही इन स्विंग के लिए वो आउट हुआ होता था, तो मेरा ये एक ही प्लान था ले गया कि मतलब एक कंसिस्टेंट एक एरियाज पे फोर स्टंप से अंदर आए जैसा, वहाँ पर ही हिट करके डालेंगे और वो सक्सेसफुल भी हो। सिचुएशन तो देखिए मतलब बैटिंग बहुत ही अच्छी विकेट है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि विकेट पे के बॉल घूम रहा है, ये मतलब एकदम बैटिंग विकेट है, तो जितना हो सके उतना सेशन खेलते गए तो हम लोग के लिए बहुत ही बेटर है। मैं ये पूछ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में आपने तीन टेस्ट खेले थे, वहाँ पर जो पिच का जो सिचुएशन था, और अब इंडिया में आकर आपको किस कितना आपको अडेप्ट करना पड़ रहा है, मतलब हम लोग इंडिया में इतने साल से खेल रहे हैं, मतलब रणजी ट्रॉफी इंडिया के, तो वो उतना ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के टूर में मतलब थोड़ा लेंथ पीछे करना पड़ता था, बट यहाँ पर है कि थोड़ा आगे डाले तो बेटर रहेगा। आपने आपका पहला टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में था, तो आप ऑस्ट्रेलिया में तीन टेस्ट खेल के आ रहे हैं, एक तरह से जो जो जितना सब हुआ इंडिया के साथ उसमें इंजरीज थी, ये थी, वो था, तो आपने ऑलमोस्ट एक अरसा दिया है और उसके बाद अब इंडिया आए हैं आप, तो आपको लाइक आपके टेस्ट करियर की प्रोग्रेशन, आपको 5 टेस्ट खेल चुके हैं आप, तो आपको अब करियर आपका कहाँ, मतलब किस तरफ से आप देखते हैं? मेरा तो ये एक ही प्लान है, मैं कोशिश मतलब मुझे कितना भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी मैं उसको ग्रैब करने का सोचता हूँ, मतलब जो में से वनडे और T20 जो में से जो ख़राब परफॉर्मेंस हुई, अब जो मुझे टेस्ट में मुझे मौका मिला, तो मैं ये ही सोचता हूँ कि बस मुझे मौका मिलते कि मैं वहाँ पर परफॉर्मेंस करता रहूँ। जब आप पवेलियन में बैठे रहते हो और एंडरसन जैसा बॉलर, जो महान बॉलर बॉलिंग करते हैं, उससे क्या, मतलब एक चीज अगर पूछना चाहते हो, क्या सीख सकते हो उससे? मतलब मैं जब भी जैसे फर्स्ट टेस्ट हो, मैं बाहर बैठा था जब वो फर्स्ट टेस्ट खेल रहा था, बस मैं उसी के वो देख रहा था, जो लाइन और लेंथ आ रहा था कंसिस्टेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेज में, अब स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में, तो मैं वो एक ही सोचता हूँ कि बस मैं भी जब मैच खेलूँगा तो मैं कंसिस्टेंट एक जगह डालते रहूँगा, कि ज़्यादा ट्राई, वो भी ज़्यादा ट्राई नहीं करता है, बस ट्राई करा है तो वो भी कंसिस्टेंट एक जगह से ट्राई करेगा, तो मैं ये सोचता हूँ कि बस उसको देखता हूँ कि वो कितना फोकस है, मतलब एक एरियास पे डालता है, तो मैं भी बस वो एक ही सोचता हूँ। सिराज, आपने बॉलिंग में हर मैच में आपने इम्प्रूवमेंट दिखा है, फिर भी आपको लगता है कि कुछ ऐसी बॉल है जो आप डेवलप करना चाहते हैं, कोई नई चीज जो एड ऑन करना चाहते हैं, और हाल के दिनों में कौन से लोग रहे हैं जो स्पेशली आपको बॉलिंग में बहुत ज्यादा जिन्होंने आपको हेल्प की है? जी, मेरे हेल्प बॉलिंग में तो भरत अरुण सर का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि वो रणजी ट्रॉफी में वो मेरे साथ थे 2016 में, तो वही मैं जब नेट बॉलर बन के गया था तभी मुझे वो देखा था, फिर उसके बाद वो फिर हमारे कोच बने, तो वो जो बूस्ट देते हैं, जो कॉन्फिडेंस देते हैं, वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है एज ए प्लेयर्स के लिए, तो मैं एज ए मतलब क्रिकेट जितना भी खेलो मतलब हर मैच टू मैच सीखना पड़ता है, मतलब इतना सक्स पूरा कोई कंपल प्लेयर नहीं बनता है, मतलब जो भी मैच खेले वहाँ पर सीखने को मिलता है, तो मैं यही सोचता हूँ कि कौन सा भी मैच खेले वहाँ पर क्या चीज़ में से और मैं सीख सकता हूँ, बल्कि वही कोशिश करता हूँ।